इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज और आईएनएन सेवन में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबर पर एक नजर। कहर कोरोना का जारी है। आज फिर 350 के करीब पॉजिटिव मरीज पाए गए तो 500 के करीब डिस्चार्ज भी हुए। आज फिर पॉजिटिव मरीज पाए गए, मौतों का आंकड़ा भी 10 के करीब रहा। निजी अस्पतालों की शिकायत आज भी जारी। अंजुमन इस्लाम की पहल की सराहना पूरे रियासत में की जा रही है। लिहाजा आज फिर अंजुमन सदर जनाब आसिफ राजू सेठ के जेर सदारत कसाई गली बेलगाम में मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें खास तौर पर मोहल्ले के कारपोरेटर जनाब बाबूलाल मुजावर और डॉक्टर मुजम्मिल मोमिन, जनाब अब्दुल गफ्फार घीवाले, अशफाक गोरी, समीउल्लाह मुल्ला और दिगर जिम्मेदारान मौजूद। जनाब आसिफ राजू सेठ ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सर्दी बुखार खांसी मामूली मर्ज है, पर डर की वजह से इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। दूसरी ओर अस्पतालों में भी जाने से कुछ लोग गुरेज करते हैं, लिहाजा अंजुमन के पहल से खांसी बुखार मरीजों के लिए मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। डॉक्टर मुजम्मिल मोमिन और बाबूलाल मुजावर जमात कसई गली के जेर निगरानी मरीजों का इलाज करने का काम जारी है। अगर किसी को भी सांस लेने में भी तकलीफ होती है तो अंजुमन की टीम से राबता करने को भी कहा गया। जनाब गफूर घीवाले ने कहा कि अंजुमन के काम को पूरी रियासत में सराहा जा रहा है, लिहाजा अंजुमन इस्लाम के सदर जनाब आसिफ राजू सेठ बेखौफ होकर आवाम में जाकर इनकी परेशानियों का जायजा ले रहा। इसी तरह बाबूलाल मुजार ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। अशफाक गोरी ने अंजुमन के तमाम कामों के तफसीलात पेश किए, लिहाजा कसाई गली और अतराफ के अक्सर लोगों ने इसमें शिरकत फरमाई। एक इदारा अच्छा होने के लिए सिर्फ एक सदर की जरूरत नहीं है, उसके साथ एक पूरी टीम चाहिए। और आज मेरे को फख्र है कि जो टीम हमारी है, जो अंजुमन की है, जो काम कर रही है, अप्रैल से लेके आज भी चालू है। काम करते करते हमारे डॉक्टर साहब को भी, बाबूलाल को भी, हमारे हनीफ भाई को भी इस बीमारी से गुजरना पड़ा। लेकिन एक बात बताता हूँ, एक बार बीमारी होने के बाद में 28 दिन के बाद में इनका अगर खून लेके प्लाज्मा दिए, कोई सीरियस पेशेंट है तो उस पेशेंट की जान बच सकती है। डॉक्टर मुजम्मिल भाई आगे बढ़ के आज कौम के लिए खिदमत करने के लिए आगे आए हैं, मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। और मेरी सभी से यही दरख्वास्त है कि हर इदारा, आज बेलगाम में काफ़ी हमारे इदारे काम कर रहे हैं, अल इकरा है, मदीना है, सहारा है, काफ़ी इदारे काम करते आ रहे हैं। आज यहाँ पर सदर अंजुमन आसिफ राजू सेठ साहब की सदारत में एक फ्री मेडिकल कैंप, जहाँ पर कशीरुलाबाद, कसाब मोहल्ला, बुखारी मोहल्ला, इंगिनकर गली, खड़े बाजार इलाके में अंजुमन के जानिब से यहाँ की जमात के सदर साहिबान, मेम्बरान और ख़ासकर मोहसिन भाई एंड कंपनी के निगरानी में हमारे डॉक्टर मुजम्मिल मोमिन साहब और कारपोरेटर बाबूलाल मुजावर साहब की निगरानी में आज बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि बहुत सारे दवाखाने हमारे आसपास के दवाखाने बंद करके लोग, डॉक्टर्स जो है अपनी कुछ वजूहात की बिना पर नहीं आ रहे हैं। ऐसे मौके पर मुजम्मिल मोमिन साहब जो है कौम और मिल्लत की और लोगों की फलाह बहबूदी का एक बेड़ा उठाया है। तो सदर साहब ने कहा कि मुजम्मिल भाई को लेकर एक यहां पर कैंप किया जाए ताकि लोगों में एक जागरूकता पैदा की जाए। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जनाब राजू सेठ सर का, जिन्होंने अवेयरनेस कैंप रखा। आज के दौर में अवेयरनेस कैंप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बुखार आ रही है, सर्दी हो रही है, मेडिकल से गोली लेके खा रहे हैं, 4-5 दिन ऐसे ही काट रहे हैं। आप जब भी ऐसे लक्षण लगे, बुखार, सर्दी, खांसी, सूखी खांसी, गले में खराश, अपने अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करें।
क्योंकि कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर आपको राय देगा कि आपका क्या नॉर्मल चल रहा है प्रोसीजर, या कुछ को बाहर दिखाना पड़ेगा या कुछ इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। चंद लोग ऐसे हैं दवा गोली खाते मेडिकल की चार पाँच दिन फिर ज़्यादा होने के बाद डॉक्टर पास आ रहे हैं। इसमें अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दौर में जो महामारी चली है इसके अंदर अगर सर्दी है, खांसी है, बुखार है तो अपने अपने फैमिली डॉक्टर पास कंसल्ट करें, एक राय मशवरा लें, फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये मेडिकल कैंप रखा गया है अंजुमन की तरफ से, और अंजुमन लगातार जो कोरोना जब से शुरू हुआ है तब से काम कर रहे हैं, जब से राशन बांटने का, मेडिकल कैंप लगाने का, ऑक्सीजन अवेलेबल करने का 24 घंटे जो काम कर रहे हैं हमारे सदर साहब राजू सेठ है और उनकी पूरी टीम, गफूर भाई, कादर भाई, राजा भाई, मोहसिन भाई, ऐसे पूरी टीम काम कर रही है, लगातार आज तक काम करते रहते हैं। और अभी जो चल रहा है मोहल्ला वाइज मेडिकल कैंप, हर मोहल्ले में मेडिकल कैंप कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर बंद करके दवाखाने खोल रहे नहीं है। और कुछ पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़ा बहुत भी हुआ तो उसको कोरोना में बोल के पेशेंट को नज़दीक नहीं ले रहे। उमर रहमतुल्लाह बरकात हो। पहली बात तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमसे ये काम ले रहा है। और दूसरी बात, हमारे राजू सेठ साहब, हमारे मैनेजमेंट डॉक्टर, हमारे बाबूलाल मुजावर, गफूर घी वाले, अशफाक भाई, अमीन भाई, समीला माड़ी वाले, राजा, ये सब टीम मिल के काम कर रही है। और दूसरी बात, और आलिकरा का मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आलिकरा ने मुझे पूरे सपोर्ट के साथ बोला है कि काम करो बोल के, और मेरे मेंबर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये पेशेंट जो है घर में पूरा बैड हो रहा है, मतलब क्या है, उनको पता नहीं चल रहा कि बीमारी क्या है और डर के शोर हॉस्पिटल नहीं आ रहा है। तो मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि जैसा होती है सेंटेंस HRCT करो और सीधा हमारे पास आओ, इंशाल्लाह जो है कि नहीं शोल हॉस्पिटल में जाके इलाज करेंगे, या तो बाहर की तरफ होते तो बाहर हम लोग अगर कुछ पैसा खर्चा करना चाहते हो तो उसके हम लोग उसको जो राय देंगे, जो है ना हमारे राजू सेठ साहब को अंडर में हम लोग जो उसको ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे। से काम शुरू कर दिए तब हमने कोगनोली चेक पोस्ट से लेकर कराड़ से लेकर गुजरात से लेकर दिल्ली से लेकर जमातों को यहाँ तक पहुँचाना, और हमारे यहाँ जो भी जमातें थी वापस उनके जगह पर उनको पहुँचाने तक हमने काम शुरू किया। वहाँ से जाकर काम शुरू होते होते लॉकडाउन में लोगों के ऐसे हालात बन गए कि लोग खाने के लिए तकलीफ़ में आने लगे, क्योंकि बिल्कुल बेलगाम का एरिया जो है मुख्तलिफ एरिया जो रोज़ाना काम करके खाने वालों का है, तो जिस दिन को ज़रूरत थी उनको हमारे इदारे ने, अंजुमन ने बहुत सारे लोगों तक अपना राशन किट पहुँचाया। जैसा ये काम ख़त्म हो गया, कोरोना का बीमारी का रूप और अलग हो गया। और इसी तरीके से अब हमने नया काम शुरू कर दिया है, वो है मेडिकल कैंप लगाना। अब हर मोहल्ले में मेडिकल कैंप के ज़रिए हम लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप खुलकर सामने आइए, अपने को अगर आज स्टार्ट इनिशियल स्टेज है आपका बीमारी का और आज आप अगर आप दवाई लेते हैं तो इनिशियल स्टेज में ही ख़त्म हो जाएगी, इसको आगे बढ़ने मत दीजिए। और इसी की तरह से अब हमने और कल से एक काम शुरू कर दिया है कि प्लाज्मा थेरेपी जो ज़रूरी है, KLE के अंदर जो भी लोग हमारे सीरियस रहेंगे जिनको प्लाज्मा की ज़रूरत रहेंगे, इंशाल्लाह कल से हमने उस प्लाज्मा थेरेपी के पीछे भागना शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह हम जो लोग हमारे प्लाज्मा जो पॉजिटिव से निगेटिव हो गए और जो आप सही तरीके से एकदम मुकम्मल अपने घर पर आराम है, उन भाइयों से जाकर मिल रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप आए खुलकर और अपने कौम का साथ दीजिए। आज बेलगाम शहर के बाजार में काफी भीड़ नजर आ रही थी। वैसे तो पिछले 2-3 दिनों से बारिश की रफ्तार धीमी होने की वजह से बाजार में काफी भीड़ देखी जा रही थी। जैसा कि सभी जानते हैं गणेश त्योहार की शुरुआत हुई है, पर यह देखा जा रहा है कि अवाम में किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रहा। बाजार में भीड़ तो काफी है पर अक्सर लोग मास्क लगाना शायद जरूरी नहीं समझ रहे। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, क्योंकि हर रोज पॉजिटिव मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। गणेश त्योहार के मद्देनजर सवारियों पर भी 3-3 अपराध सवार होकर अपनी सवारियां दौड़ाते नजर आए। ट्रैफिक पुलिस अफसर नंदेश्वर कुमार ने ट्रैफिक पर काबू पाने में पुलिस नाकाम क्यों नजर आ रही है इस पर बताया कि ट्रैफिक महकमा के पुलिस कॉन्स्टेबल और अफसरान भी कोरोना से क्वारंटाइन हुए, जिससे महकमा की कमी महसूस की जा रही है। पर अवाम की जानिब से यह मुतालबा किया जा रहा है कि गणेश त्योहार के वक्त कई नौजवान बिना मास्क के सड़कों पर और सवारियों पर बेखौफ घूमते जा रहे हैं। वही दूसरी ओर मुहर्रम का कोई पंडाल अभी तक नजर नहीं आया और ना ही ताजिया बिठाने की खबर मैसर हुई है। मार्केट ताबूत कमेटी, जिसकी तारीख 100 साल से भी पुरानी है, इनसे राब्ता करने पर कहा कि कोरोना आलमी वबा से मुल्क परेशानी में है,
लिहाजा इस साल बेलगाम शहर में बहुत ही महदूद तरीके से मनाने की कोशिश करें। बेलगाम शहर में मुहर्रम कमेटियों ने जो समझदारी का मुजाहरा किया हुआ कई सराहनीय है। पुलिस इंतजामिया बार बार आवाम से गुजारिश कर रही है कि सामाजिक फासला इनकी सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखे। और उमूमन देखा जाता है कि गणेश को देखने अतराफ के गाँव से लोग बेलगाम आते हैं, पर कोरोना महामारी की वजह से नुमाइश नहीं होगी। यानी कि बड़े बड़े जो गणपति के पंडाल लगाए जाते थे वो इस साल नहीं होंगे। गली मोहल्लों में भीड़ ना करें, यह भी हुकूमत की तरफ से हिदायत दी गई है। सादगी से त्योहार मनाएं। इसी तरह आज आरएलएस मैदान में विराट हिंदू सभा का एहतमाम किया गया था, जिसमें हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं पर हो रहे मजालिम पर बयानात हुए। खास बात यह रही कि ना तो स्टेज पर बैठे मेहमानान और ना ही अवाम में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पर भी नजर नहीं आई। बेंगलोर फसाद के मद्देनजर कांग्रेस कायद और साबिक वजीर आला सिद्धरामैया ने ट्वीट के जरिए भाजपा पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा बेंगलोर फसाद मामले में दिशा भूल कर रही है। पहले तो इस फसाद के पीछे एसडीपीआई होने की बात कही, फिर बाद में कांग्रेस पर इल्जाम लगाया गया और अब दहशतगर्दों का हाथ होने की बात कही जा रही है। भाजपा पर सवाल खड़े करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि जब यह फसाद पहले से ही मनसूबाबंद तरीके से अंजाम दिया गया तो खुफिया एजेंसियों को इसकी इत्तला क्यों नहीं हुई। असल मुजरिमों को पकड़कर सलाखों के पीछे बंद करने से भी ज्यादा कांग्रेस या दिगर सिंह ले जाने की कोशिश से खुद भाजपा पर ही सवाल उठते हैं, ऐसा सिद्धरामैया ने कहा। एक और कयास यह भी लगाया कि आरएसएस और संघीय कारकुनान दरअसल येडियुरप्पा को भगाना चाहते, लिहाजा इसी साजिश को अंजाम दिया गया। अब तक असल मुजरिम पकड़े ना जाने पर भी अफसोस का इजहार किया। क्या वाकई इस फसाद के पीछे आरएसएस है? ऐसा सवाल भी अवाम की जानिब से किया जा रहा है। भारत में कट्टर मजहबी तंजीमों ने मनमानी कत्ल करने का सिलसिला जारी किया है, लिहाजा इसी के मद्देनजर गलत रस्म रिवाज के खिलाफ तहरीक छेड़ने वाले डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, जिन्होंने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कयाम किया था, पर इनका कत्ल हुए 7 साल गुजरे इसी बरसी पर बेलगाम में एक इजलास मुनक्कद किया गया। वाजा रहे कि हिंदुत्ववादी तंजीमों ने ना सिर्फ डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर बल्कि डॉक्टर कलबुर्गी पानसरे गौर लंकेश का भी कत्ल इन्हीं तंजीमों की जानिब से करने की बात वाजा हो चुके। 7 साल के बाद भी मुकदमा जारी है, गुनहगारों की तलाश भी जारी है और अब तक कातिल नहीं पकड़े जाते। इसकी मजम्मत भी बारह दाभोलकर के फर्जन हामिद दाभोलकर और बेटी मुक्ता दाभोलकर की जानिब से की गई है। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह की चर्चा तो सुबह शाम की जा रही है और सीबीआई की इंक्वायरी बिठाने पर भी मांग की है और उस पर सीबीआई इंक्वायरी भी हो रही है, पर 7 साल गुजरे हैं। हिंदुत्व तंजीम सनातन संस्था के 2 मुजरिमों को पकड़ा भी गया, पर असल मुजरिम को पकड़ने में हुकूमत क्यों नाकाम है? 5 खुफिया एजेंसियां अब तक मुजरिम तक क्यों नहीं पहुंच पाए? सीबीआई जैसी मारूफ खुफिया एजेंसी भी नाकाम क्यों है? जैसे सवाल अनीस की जानिब से किया जा रहा है। बेलगाम में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के इजलास की शुरुआत इनकी तस्वीर के सामने चिराग जलाकर की गई। अनीस के महाराष्ट्र के दफ्तर से ऑनलाइन इस प्रोग्राम को अंजाम दिया गया, जिसमें इफ्तिताही कलिमा फिल्म एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने कहे। इस वक्त बेलगाम दफ्तर से एडवोकेट राम अपटे, साबिक एमएलए परशुराम भाऊ नंदेड़ी और अशोक यारगी मौजूद रहे। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मद्देनजर हुकूमत भी काफी परेशान है, कई सारे वजीर भी अब कोरोना की जद में आ चुके हैं। कांग्रेस के साबिक वजीर जनाब जेड जमीर अहमद साहब भी पॉजिटिव पाए गए। इसी के मद्देनजर पूरी रियासत में मुख्तलिफ शहरों में दुआओं का एहतमाम किया गया, लिहाजा मां साहब कुर्ची दरगाह में जेड जमीर अहमद साहब की सेहतियाबी के लिए दुआओं का एहतमाम किया गया और मां साहब दरगाह में चादर चढ़ाई गई। कुर्ची मां साहब दरगाह ग्रुप की जानिब से इसे अंजाम दिया गया। कुर्ची शहर के मखसूस अहबाब शरीक रहे, खासकर सामाजिक खिदमतगार जनाब जहूर संदल वाले, शहूद राडी, मुदस्सर लाल खान, इखलास पटाई, इमरान इकराम जिन्ना बड़े भी इस वक्त मौजूद रहे। यूं ही देखते रहिए, खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।